ड्राई केक बनाने के लिए हम 1.5 कप मैदा लेंगे, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर एंड 1/2 चम्मच ये बेकिंग सोडा। ये तीनों चीज़ें दो बार मिक्स करके छान लेंगे। हम 3 टेबल स्पून बटर लेंगे, 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, 3/4 कप मिल्क मेड लेंगे। ये हमारा मिल्क मेड है नेस्ले का, ये 3 कप लेंगे, 3/4 कप। 1/3 कप हम शुगर लेंगे, पीसी शुगर। और अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से इससे मिक्स करेंगे या बिटर से मिक्स करेंगे 5 मिनट्स। ये बैटर मिक्स होकर हमारा इस तरीके से बन गया है। और अब हम 5-6 बूंद वेनिला एसेंस की डालेंगे। डालने के बाद ये हमारा मिक्सचर इस तरीके से हो जाता है। अब हम इस बैटर में ये मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा मिक्स किया हुआ है ये इसमें मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे। फिर आफ्टर दैट ये मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और चलाएंगे। हमने इसमें मैदा मिक्स कर दिया। धीरे धीरे हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब ये हमारा बैटर इस तरीके का हो जाएगा। हमें इसमें थोड़ा सा और मिल्क डालना है। अब इस बैटर में आप चेरी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये मैंने इसमें डाला हुआ है। अब इसको मिक्स करेंगे और इस बर्तन में जिसमें केक बनाना है ऑयल लगा के मैदा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, इस तरीके से दिखेगा। और इस मिक्सचर को इसमें हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसको माइक्रोवेव में या ओवन में रख देंगे 30 मिनट के लिए, सेट कर देंगे। अब हमने इसमें ये पलट दिया है, अब इसको टैप कर लेंगे इस तरीके से। और इसमें डेकोरेशन के लिए आप इसमें चेरी डाल सकते हैं ऊपर, ये ब्यूटीफुल लुकिंग देगा। अब हम इसको 30 मिनट के लिए माइक्रोवेव या ओवन में रख देंगे। ओवन को हमने प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब हम इसको इसमें सेट करेंगे 30 मिनट के लिए। बीच वाली मिडिल में रखेंगे इसको और इसको 30 मिनट के लिए सेट कर देंगे। और 160 डिग्री पर इसका टेम्परेचर रखेंगे और एक रॉड नीचे की जलानी है। इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। अब हम इसे 30 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। बस हमारा केक ही रेडी होने वाला है, थोड़ा ही टाइम बचा है। हम इसमें एक टूथपिक लगा के देखेंगे, वो बिल्कुल ड्राई निकलनी चाहिए। यदि थोड़ा सा भी उस पर चिपकन आती है तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इसको और बढ़ा देंगे। ये अभी हमारा केक रेडी नहीं हुआ है, ये हमारे चिपका हुआ आया है। अब इसको 10 मिनट के लिए और रख देंगे। अब हमारा केक रेडी है, अब हम इसको चेक करेंगे। ये स्टिक पर हमारा कुछ थोड़ा चिपका हुआ है तो हम इसको 5 मिनट और चला देंगे।